हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भोलेनाथ के दर्शन करा दिए हैं और आज है शिवरात्रि। तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल फैमिली। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड की छुट्टी है और आज मैंने इनको कुर्ता पजामा पहना दिया है। ये कभी नहीं पहनते हैं तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने कहा पहन लो, अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने आज साड़ी पहनी हुई है, ग्रीन ग्रीन मैं बनी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं बेल पत्तियों को मतलब ये बेल पत्ती तोड़ कर लाई हैं तो मैं उनको देख रही हूँ सही हैं, टूटी वूटी तो नहीं है, कटी फटी तो नहीं है, तो मैं उनको ही देख रही थी। और मैंने इनसे कहा कोई कटी फटी नहीं है तो बस ये निकालने में लग गए। मैंने कहा थोड़ी बहुत तो चलती है, कोई ना। और बस यहाँ पर मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ। और पहले मैंने सोचा था हैंकी टक का वीडियो बनाऊँगी और हैंकी टक का वीडियो नहीं बन पाया, बस ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने साड़ी उतार दी थी, मैं वो मतलब कि उलझन हो रही थी, साड़ी कभी पहनती नहीं हूँ ना इसलिए। तो बस यहाँ पर ये फूल वगैरह सब कुछ लेकर आए थे तो मैं प्लेट में निकाल रही थी पूजा के लिए। पहले मैं तैयार हो गई, मिर्ची को कर दिया और सब लोगों ने नहा लिया है। और अभी टाइमिंग हो रही है 8:30 हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। फिर हम लोग इसके बाद मंदिर वगैरह मंदिर गए थे तो मैंने थोड़ा सा वहाँ का भी सूट किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं देख लीजिए, और मिस्टी हाथ पकड़ के पापा का कर रही हैं और मैं चालीसा पढ़ रही थी। और यहाँ पर हमारी पूजा मोस्टली हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं लोटे में, तो ये ना मैंने मंदिर के लिए तैयार किया है और ये प्लेट मैंने मंदिर के लिए लगाई हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिठाई, फूल, बेर, केला और पैसे और सब कुछ मैंने यहाँ पर रख लिया है। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है शिवरात्रि, मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि सभी लोगों को। तो आज मेरा फास्ट है, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है, आज इनकी छुट्टी है, ये ऑफिस नहीं गए हैं। और मैं जा रही हूँ मंदिर, तो वहाँ का अगर मैं सूट कर पाऊँगी तो करूँगी आप लोगों के साथ, नहीं कर पाऊँगी तो नहीं करूँगी। और मैंने ये साड़ी डाली हुई है, ये कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लग रही है, ब्लॉग होगा, साड़ी का ब्लॉग होगा। तो चलिए फिर मंदिर से पूजा कराती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। Yet another, but it doesn't matter. Down one more lover, it doesn't matter. I did what I do best. I'm so broken. यहाँ मैं मंदिर से आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने काजू मखाने फ्राई किए हुए हैं और मैंने जो प्रसाद मिला था वो भी मैंने खा लिया है। केला मिला था, बेर मिले थे, तो हम लोगों ने पहले प्रसाद खाया और बर्फ़ी खाई, पानी पिया, फिर मैंने चाय बनाई और मखाने फ्राई किए थे, काजू फ्राई किए थे। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है, मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा मोस्ट मोस्ट डाला हुआ है, ज़्यादा नहीं डाला हुआ है। और यहाँ पर बस हम दोनों लोग खा रहे थे और इनको पंडित जी ने टीका लगा दिया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा टीका लगाया था। और फिर थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हो गया है आफ्टरनून का टाइम, तो आफ्टरनून में हम लोगों ने फ्रूट काट लिए थे, पपीता और अंगूर और ये कीनू है, तो बस इन्हीं का हम लोगों ने ये फलाहार किया था। तो व्रत में बस खाते रहो खाते रहो, किस बात का व्रत है, एनर्जी लेते रहो। और यहाँ पर हो गया है इवनिंग, तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई हूँ साबूदाना के भल्ले, बनाए थे मैंने।
और हरी धनिया की चटनी बनाई थी। वैसे मैंने इनसे कहा था पूड़ी और सब्जी बना दूँ, तो इन्होंने कहा नहीं अलका कि भल्ले बना दो साबूदाना के, इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बस मिष्टी को दे रही हूँ दूध, इसका दूध का टाइम हो गया क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है इसलिए। और यहाँ पर मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय मैंने ही पी थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं पी थी, ये नहीं पे चाय पीते हैं, तो मैंने अपनी चाय पी ली। और यहाँ पर मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है, मैंने साड़ी आफ्टरनून में ही चेंज कर ली थी, जब मैंने फ्रूट काटे थे तभी मैंने चेंज कर ली थी। और बस ये सारे काम मैं करके, और बस यहाँ पर मैं धनिया जो मैंने इससे आगे वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने धनिया तोड़कर और बाउल में भरकर, तब तक ये धनिया चली रही है तब से मेरी। और अगर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दो तो धनिया कभी भी ख़राब नहीं होती है। धनिया हुई, मिर्ची हुई और पालक हुई, मेथी हुई, ये सारी चीज़ें हरी बनी रहती हैं। और यहाँ पर मैं धनिया को कट करके डाल दूँगी, मिर्ची को भी कट करके डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने कूटू और सिंगाड़े का आटा लिया हुआ है, मैंने कटोरी में छान कर रख लिया था, तो मैंने कहा छानना नहीं पड़ेगा, छान कर थोड़ा सा मैंने रख लिया है। और मैं चम्मच की हेल्प से इसमें डाल दूंगी और यहाँ पर मैं साबूदाना डाल दूंगी और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं भल्ले सेकने के लिए भी आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं जो मैंने हरी धनिया की चटनी पीसी हुई थी उसको मैं कटोरी में कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, पहले मैं सेक कर भोग लगाऊंगी, भोग लगाकर फिर मैं वही थाली अपने हस्बैंड को दे दूंगी। और यहाँ पर मैं गोल गोल बल्ले की तरह कर लूंगी और फिर इसमें मैं सेकूंगी। और ये देखो गिर गया, और अभी इसी में गिर जाता तो क्या होता, गरम गरम रिफाइंड है। और यहाँ पर मैं भल्ले अच्छे से बना लूँगी, बनाकर मैं सेक लूँगी, तो आप लोग देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आप व्रत के नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर लें और उससे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और चावल के आटे के चीले भी आप लोगों ने खाए होंगे, चीले काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत पतले पतले बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मतलब कि भल्ले के तरीके से बना ले रही हूँ, बनाकर फिर मैं कढ़ाई में इनको सेकूंगी। और मैं थोड़ा सा मैंने सेकते हुए भी वीडियो बना लिया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैं हाथ धुल लूँगी, हाथ धुलने के बाद मैं अपनी टॉवल से पोंछ लूँगी, थोड़ा सा म्यूजिक लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आ जाइए आप लोग भी, कितने ज़्यादा टेस्टी यम्मी यम्मी भले लग रहे हैं और चटनी के साथ, वाह।
और इसमें ब्रतला नमक डला हुआ है। और यहाँ पर मेरी बेटी को देख लीजिए आप लोग, और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो, हेल्पफुल लग रहे हो, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉच।